नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। मेराल से अमरेश उरांव की रिपोर्ट। गढ़वा जिले के मेराल पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की जनसभा। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जेएमएम के प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से की अपील। झारखंड में हमारी सरकार बनी तो ओखरगढ़ा को प्रखंड बनाएंगे और बेरोजगार विद्यार्थियों को बेरोजगार भत्ता देने का काम करेंगे। उपरोक्त बातें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेराल हाई स्कूल के मैदान में महागठबंधन दल के प्रत्याशी श्री मिथिलेश ठाकुर के पक्ष में चुनावी जनसभा के दौरान कही। बस पूछे बाकी है, सरकार बनेगा और कुछ भी निकल जाएगा। आज इसीलिए आज देश के गृह मंत्री जी ने यहाँ पर कहा कि 5,00,000 करोड़ रुपया झारखंड को केंद्र सरकार ने दिया है। जब 5,00,000 करोड़ रुपया उन्होंने कहा तो हम भी आश्चर्य हो गए कि 5,00,000 करोड़ रुपया गया कहाँ भाई। अगर वो पैसा आता तो पारा शिक्षक को जरूर पैसा मिलना चाहिए था, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को जरूर पैसा मिलना चाहिए था। आज वो पैसा आया तो लोग यहाँ पर भूख से क्यों मर गया? आज यहाँ पर वो पैसा आया तो दवा के अभाव में लोग कैसे मर गया? आज इस वो पैसा आया तो किसान की आत्महत्या किया। आज पूछिए इन मेहमानों से क्या क्या वो 5,00,000 रुपया। भात भात कह के मर जाती है और सरकार कहती है कि हम लोगों का विकास कर रहे हैं। कैसा विकास हो रहा है यहाँ की जनता देख रही है। ये ऐसा विकास हो रहा है, लोगों का वोट खरीदने के लिए इनके लोग चल रहे हैं, प्रत्याशियों की गाड़ियों में पैसे पकड़े जा रहे हैं। सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। हमारे सुरक्षा में लगे जवान की मातें हो रही हर दिए है। यह झूठ की सरकार, झूठ के पुलिंदा पर बैठी इस सरकार को आपको बदलना है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हमारी जो पार्टी है, यहाँ की गठबंधन की जो पार्टी है, भाकपा माले ने मिथिलेश ठाकुर को समर्थन किया है और इस समर्थन में आप तमाम लोगों से हम कहना चाहेंगे कि और झारखंड बचाने के लिए आपको अपना एक एक कीमती वोट जेएमएम के प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर के पक्ष में तीर धनुष को देना है। यही बात के साथ मैं अपनी बात को अंत करती हूँ। सभी साथियों को आज के मेराल में चुनावी सभा में आयोजित मेराल प्रखंड के तमाम सभी भाई बहनों जनता को प्रणाम सलाम आदाब करता हूँ और आगे मंच पर उपस्थित हमारे चुनावी जनसभा को अन्य महागठबंधन दल के नेता सिराज अहमद, कालीचरण मेहता, केपी यादव, जिला प्रवक्ता धीरज दुबे, डंडा प्रमुख वीरेंद्र चौधरी, सुषमा मेहता, मेराल उत्तरी जिला परिषद अतहर अली आदि ने भी संबोधित किया। धन्यवाद।